वो कर रहे थे आपने, वो लिखाए थे शॉर्ट ट्रिक लिखाई थी, दो जब कर्व होते हो हाँ एरिया अंडर द कर्व वाली ना। हाँ वो कुछ इस वो शॉर्ट ट्रिक जो थी वो कुछ इस तरीके से थी ना कि मान लो अपने को दो कर्व दे रखे हैं, कुछ जैसे मान लो हमें हाँ इसको थोड़ा हाँ सा रिपीट पैरेललोग्राम कर टाइप लेते का हैं। था शायद। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, पैराबोला बताया था कि y स्क्वायर इक्वल यस फोर सर, एक्स है पैराबोला। हाँ ना, x एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स बराबर टू 4ay, हाँ 4ay है ठीक है। तो इसका मतलब ये है सिक्सटीन कि अगर अपॉन ए ये बी x और y को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो इसका जो एरिया होता है वो कितना आता है। 16 ए बी बाई थ्री। सही है, करेक्ट ठीक है। चलो तो इस पे हाँ इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द रेशियो इन विच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। डिवाइडेड बाय द लाइन एक्स इक्वल टू 3। ठीक है बेटे। यस सर, जैसे ही क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे। भाई एक तो अपने को दिख रहा है कि ये जो दो कर्व बनेंगे, कर्व कुछ इस तरीके से बनेंगे, जैसे एक बना के देख लेते हम। भाई एक कर्व जो है वो इस तरीके से बनेगा, यस सर, ठीक है, और जो दूसरा कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। भाई एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है और एक डाउनवर्ड पैराबो, ये राइट फेसिंग पैराबोला है, आया यस ना, सर, करेक्ट। यस सर, तो अब इसमें ये देखो बेटा कि भाई ये जो पैराबोला है ठीक है, इनका वर्टेक्स यहाँ पे, और इसमें ये क्या है भाई कि अगर मैं एक्स और वाई को चेंज करूंगा एक दूसरे से स्वैप करूंगा तो दोनों यही पैराबोलास मिलेंगे अपने को। तो इसका मतलब यस ये है सर, कि भाई इसमें अगर मुझे एरिया निकालना है तो एक्चुअली अपने को कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये दिख रहा यस सर, है। अब इसमें क्या दे रखा है भाई, ये एरिया तो हमें निकालना है, बट उसने ये बोल रखा है, एक मिनट को मैं इसको अलग अलग से शेड कर देता हूँ ताकि दिख जाए वो, ठीक है। देखो इसने आगे यस क्या सर, बोल रखा है, डिवाइडेड बाय द लाइन, मतलब ये जो एक्चुअली एरिया है ना वो एक लाइन से डिवाइड हो रहा है। कौन सी लाइन से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्स इक्वल बराबर टू थ्री, 3। हाँ तो एक्स इक्वल टू 3 वाली लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, यस सर, हाँ ना, यस सर, ठीक है बेटे, ये लाइन बनेगी, दिस इज व्हाट एक्स इक्वल टू 3। अब भाई उसने ये बोल रखा है कि भाई ये जो लाइन है वो इस एरिया को डिवाइड कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ, एक मिनट को, मतलब ये कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया और एक ये दूसरा वाला एरिया, ये बना दे, ये इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है उसने, बात समझ पा रही। यस सर, तो ये कैसे निकालेंगे एक बार ट्राई करो इसको। सर इसके एरिया को 3 से डिवाइड करेंगे, जो एक कर्व का जो एरिया होगा उसको लाइन 3 से डिवाइड करेंगे। हाँ मतलब ये जो टोटल निकालेंगे हम उसका उसके एरिया को 3 से डिवाइड करेंगे ना। देखो एक काम करो ना, इसको ऐसे करो ना, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दो भाई, अपने को रेशियो निकालना है ना, रेशियो यस निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो एक काम करो कि भाई ये वाला जो है ना एरिया है, कौन सा वाला, एक मिनट,
ये वाला जो एरिया है रेड वाला, ठीक है, इसको हमने बोल दिया लेट से एरिया वन, और ये वाला जो एरिया है इसको हमने बोल दिया एरिया टू, ठीक है। तो ए वन और ए टू में डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली अपने को निकालना क्या है, ए वन अपॉन ए टू निकालना, हाँ है ना, ठीक है बेटे, यही निकालना है। तो भाई हम ये कर सकते हैं कि भाई ए वन ए टू का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले मैं पूरा एरिया निकाल लेता हूँ, पूरा एरिया मतलब ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है ना, यस नो, ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया कैसे आएगा, इसका एरिया तो हमें निकालना आता है भाई, हम तो इजिली निकाल सकते हैं पूरा एरिया भाई, पूरा अगर मुझे एरिया निकालना है पूरा वाला, तो वो एरिया कैसे निकलेगा, इसी तरीके से निकलेगा 16 AB/3 से, आया ना 16 A, A कितना है बेटा टोटल, ये है 48, 48 हो जाएगा, वेरी गुड भाई, ये तीन हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में तीन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A इक्वल टू 48, तो ये पूरा एरिया आ गया। तो पूरा एरिया जो है वो किसके बराबर है, A1 प्लस A2 के बराबर है, आया ना, यस सर। Yes, तो भाई हमें अब दोनों निकालने की जरूरत नहीं है कि हम A1 A2 अलग से निकाले, हमने पूरा एक एरिया निकाल दिया, तो हम एक काम करते हैं इनमें से कोई भी एक एरिया निकाल देते हैं, फिर उसको क्या करेंगे टोटल में से माइनस कर देंगे, तो दूसरा एरिया आ जाएगा। अब अपने को दिख रहा है ना कि भाई A1 एरिया निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान है, आया ना भाई, ये वैल्यू कितना है, ये पॉइंट कितना है, जैसे 0 और ये कितना है 3, तो 0 से, हाँ, तो अगर मुझे A1 निकालना है तो A1 इज बेसिकली व्हाट, 0 से 3 के बीच में ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, आया ना, ऊपर वाला कर माइनस नीचे वाला कर, तो ऊपर वाला कर कौन सा है, ऊपर वाला y स्क्वायर इक्वल टू 12x, करेक्ट। तो अब मुझे y निकालना है तो रूट 12x हो जाएगा, यस सर, यस सर, टू रूट 3, टू रूट 3, हाँ कोई नहीं, अभी ऐसे ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, 2√3, चलो ठीक है, आपके अंदर 2√3 लिख देता हूँ मैं, रूट थ्री रूट एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा, एक्स स्क्वायर को से 12y, हाँ, तो वहां से अगर मैं वाई निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर बाय 12 डी एक्स, ठीक है, ये अलग अलग निकाल लो, अब समझ, अब इसको सॉल्व कर लो, मुझे जल्दी से बताओ ये एरिया कितना आ रहा है, A1 कितना आ रहा है, तो 45/4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 45/4, ठीक है, तो ये एरिया A1 आ गया 45/4, भाई अब A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए अपने को पता है ना, अपन ये कर सकते हैं कि भाई A2 इज एक्चुअली व्हाट, A - A1, तो A2 इक्वल टू A कितना था, A is how much? 48 minus 45/4. Yes, sir. ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर दो, आपके पास A2 आ जाएगा, A2 आ गया तो A1 upon A2 निकाल लेंगे अपन रेशियो, आवे समझ? Yes, sir. आवे समझ? तो ये निकाल लेना, ऑब्वियस बात है, निकाल लोगे ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेन में आया था, है? 2018 में आया था क्वेश्चन, ठीक है बेटे, यस सर, ठीक है, तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन अब, यस सर, ठीक है, चलो ये नोट कर लिया ना, नेक्स्ट करें आगे बढ़े, मतलब यस सर, यस सर, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट डाल लिखना है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y square equal to 4x and y equal to mx is equal to 8, कितना होगा ये, मैं लिख देता हूँ, 8a² / 3m³, ठीक है,
एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब वो मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि भाई अगर ऐसा कुछ फिगर बन रहा है कि भाई हमने एक बनाया है, यहाँ पे एक पैराबोला बनाया, ठीक है, दिस इज व्हाट पैराबोला। अब क्या है बेटा कि इसी पैराबोला से, ठीक है, मतलब ये जो पैराबोला का वर्टेक्स है ना, इसी पैराबोला के वर्टेक्स से क्या हो रहा है एक्चुअली कि एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, एक लाइन बन रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटे, ऐसा लाइन बन रही है। याद रखना जरूरी नहीं है बेटे क्या कि ये जो है ये ओरिजिन होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि जो लाइन है वो वर्टेक्स से पास करनी चाहिए इसके पैराबोला से। अगर ऐसा है तो वो हमसे कौन सा वाला एरिया पूछेगा, वो हमसे ये वाला एरिया पूछेगा, एक मिनट शिफ्ट कर देता हूँ, ये एरिया, ठीक है, तो अगर ये एरिया हमें निकालना है तो ये एरिया किसके बराबर आएगा, इसको आप डायरेक्टली याद रख लो, 8a² / 3m³, समझ, यस। yes, अब इसको याद रखोगे तो डायरेक्टली बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, कैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये नोट कर लिया कि कर रहे हो अभी, ठीक है, देखो क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, पॉइंट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = y और y = mod x, ठीक है बेटे। अब जैसे ये है तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई पहले तो अपन इसका फिगर बनाते हैं, ये एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है, दिस इज अ पैराबोला, कौन सा ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, x² = y आया ना बेटे, ठीक है, ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब इसमें भाई क्या बन रहा है, y = mod x, तो y = mod x अगर बनाएंगे तो y = mod x का ग्राफ पता ना बेटे कैसा होता है, वी शेप का होता है, ऐसा करके बनता है वी शेप का, जैसे द ग्राफ ऑफ y = mod x आया ना, आजा आजा, यस सर, यस। तो अपने को एक्चुअली क्या करना है, कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना, वो बोल रहा है फाइंड दिस एरिया। तो भाई अब ये तो एक्चुअली आपको दिखता है कि भाई ये जो एरिया है, मतलब ये जो एक्चुअली फिगर बनना हुआ है, तो सिमेट्रिक है, y = x के अराउंड, हाँ है ना भाई, ये क्या है, ये y एक्सिस है, अब y एक्सिस के राइट साइड वाला लो, लेफ्ट साइड वाला लो, दोनों सेम ही तो है, हाँ है ना बेटे, सिमेट्रिक हो गई है। तो अगर मुझे ये एरिया निकालना है, yes, तो ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो दो तरीके हैं, एक तो आप एक काम करो, इन दोनों ग्राफ को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके भाई ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, जैसे एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में आप इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, एक तरीका तो ये है सिंपल जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है, हाँ, और इंटू टू कर दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा एक डायरेक्ट मेथड मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है कि भाई एक पैराबोला दे रखा है और पैराबोला के वर्टिक से लाइन बन रही है, मतलब ऐसा कुछ, तो उसका एरिया आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका यूज कर, ठीक है, यस सर, तो ये एरिया कैसा आएगा, 8a² / 3m³, तो a इसमें सिंपली क्या है, a क्या आ जाएगा, a तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, तो a इज एक्चुअली 1/4, m कितना है, m इज स्लोप 1, इस लाइन का स्लोप कितना है, m बराबर 1, ठीक है, तो बस सिंपली इसका एरिया हो जाएगा 8a² / 3m³, ये था बेटे, सो दिस इंप्लाइज 8a इज व्हाट, 1/4 का स्क्वायर, मतलब 1/4 दो बार लिख दो, अपॉन 3m³, m इज 1 तो 1 का क्यूब, तो
तो ये कितना हो जाएगा? 1/6, वन एट बाय बाई सिक्स 48। 1/6 हो जाएगा। अब जस्ट यस बिकॉज सर, इधर वाला भी एरिया निकालने तो इंटू टू कर दो, यस सर, 1/3 आ गया, समझ? यस सर, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है? यस सर, समझ आ गया बेटे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना? यस सर, यस। चलो इसको कर लिया कि नोट कर रही हो बेटे? सर हो गया। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मान लो हमें कुछ ऐसा एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट एट एक्स बराबर ए, ठीक है? देन जो एरिया होगा वो क्या होगा? अब इसमें डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या है बेटा? देखो डबल ऑर्डिनेट का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक पैराबोला बनाया, ठीक है, हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला बनाया, ठीक है बेटे? अब डबल ऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होता है? देखो ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना? यस। इसको एक्सिस बोलते हैं बेटा, यस दिव्या, इसको एक्सिस बोलेंगे। दिव्या आवाज आ रही बेटे? यस सर, है ना, इसको एक्सिस बोलेंगे हम। और जो डबल ऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डबल ऑर्डिनेट, अभी डबल ऑर्डिनेट सिंपली क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट ये होता है कि भाई जैसे ये डबल ऑर्डिनेट इसकी बात कर रहे हैं, तो डबल ऑर्डिनेट इज सिंपली व्हाट, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब ये कैसा होगा? कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में? यस सर, ठीक है। तो अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? हमें ये वाला एरिया निकालना है, वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। एक मिनट, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया बेसिकली कैसे निकाला जाए? तो सिंपल, इसके दो तरीके, एक तो नॉर्मल वाला मेथड। नॉर्मल वाला मेथड क्या है कि भाई हम ये, हाँ, पॉइंट्स निकाल लेंगे डबल ऑर्डिनेट वाले, ये देख लेंगे कि भाई ये दोनों पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, है ना? यस सर, हाँ, कि भाई ये वाले जो पॉइंट्स हैं, एक मिनट, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ए और बी, ये निकाल लेंगे अपन कि भाई ये पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। अब ये पॉइंट्स निकालने के बाद जीरो से यहाँ तक का एक पॉइंट निकाल लेंगे, तो उसके बीच में अपन इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट इनटू करने के बाद डबल कर लेंगे, हाँ, इंटीग्रेट करने के बाद डबल कर देंगे तो नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा। यस सर, हाँ, तो इतना सब न करना पड़े उसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। तरीका क्या है? सिंपली आपको क्या करना है कि कभी भी ऐसा बन रहा है कि भाई पैराबोला है और जैसे डबल ऑर्डिनेट बना, डबल ऑर्डिनेट इज बेसिकली व्हाट, एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है? तो आप सिंपली बस इतना सा करो, आप ये करो कि भाई यहां से ना आप एक रेक्टेंगल बना दो। कैसे? आप इस दोनों को, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो जैसे आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो आपको दिख रहा है कि एक ऐसा एक रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा? ये वाला, यस सर, ठीक है, यस ये सर, रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? अब ये जो रेक्टेंगल है, हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद जब उसका 2/3 करेंगे तो फिर उसके बाद ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है? तो ये एक तरीके से डायरेक्ट एक यस सर, शॉर्टकट है ना? तो इसका मतलब ये कि अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, कौन सा रिक्वायर्ड एरिया? अंदर वाला रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज बेसिकली वॉज 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
बस समझ आ रही है? यस सर। टू थर्ड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमने एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया तो उसका टू थर्ड कर देंगे तो अपने पास एक वाइड एरिया आ जाएगा। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहले इसको करो, इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया बेटे? यस सर। यस, देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x equals to 2y minus y square and y axis। ठीक है बेटे, तो इसको एक समझ लो, एक में बता देता हूँ, दूसरा आप पढ़ लेना। अच्छा, ये जो पैराबोला बनेगा बेटे, ये पैराबोला कैसा बनेगा पहले तो ये बताओ, ये पैराबोला कैसे बनेगा भाई? x इक्वल टू क्या दे रखा है? 2y माइनस y स्क्वायर दे रखा है, हाँ है ना? ठीक है, ये दे रखा है। तो भाई इसमें सिंपल, x इक्वल्स टू इसको, हाँ इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई x इक्वल टू, अगर मुझे निकालना है तो x इक्वल्स टू इसमें से y कॉमन लिया तो 2 माइनस y आ जाएगा, आया ना? तो इसके पॉइंट्स बेसिकली क्या आएंगे, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो y इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? एक बार तो जीरो पे आना चाहिए, एक बार टू पे आना चाहिए, आया ना? तो इसका मतलब ये है कि भाई जो ग्राफ बनना है इसका, वो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, आया ना? यस सर। कुछ ये पैराबोला बनना चाहिए, ठीक है? ये दिख रहा है अपने को, जैसे भाई ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? दिस इज 0.0, एक यहां से 0 आ रहा है और एक यहां से 2 आ रहा है, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2, है ना? तो y इक्वल्स टू 0 ये रहा, तो y इक्वल्स टू 2 ये हो जाएगा, और x एक्सिस पे है तो x एक्सिस, भाई y एक्सिस पे तो x 0 रहेगा, मतलब ये 0.2 हो गया, हां है ना? यस और नो बेटे? तो ये पॉइंट्स हमने निकाल दिए। तो मैंने क्या बोला कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर अपने को करने हैं तो अपने को क्या करना है, अपने को सिंपली रेक्टेंगल फॉर्म करना है। अब ये रेक्टेंगल अपन कैसे फॉर्म करेंगे, इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि भाई यहां से मैं कैसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? इसको इस तरीके से आगे बढ़ा देता हूँ, देखो इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसको यहाँ नीचे ले गया, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये एक्चुअली अपने पास ये वाला रेक्टेंगल आया, समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसका टू थर्ड कर देंगे, अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, और अपना रिक्वायर्ड एरिया एक्चुअली क्या है, ये वाला। बात समझ आ रही है? यस सर। नो? यस सर। ठीक है, तो अब ये अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया तो अपने को पता है कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, आया ना? एल इनटू बी, इसी तरीके से निकालते हैं अपन। ठीक है, तो अगर एरिया पर इस तरीके से निकालते हैं तो भाई ये वाला लेंथ तो अपने को पता लग गया, ठीक है, कि ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला, ठीक है, ये कितना है, ये तो 2 है, दिख रहा है 2, यस सर, है ना? ये 2 है, तो बस ये वाला लेंथ ही तो निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालें बेटे? देखिए पैराबोला का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं बेटा? यस बोलो। देखो इसका भी एक तरीका बता देता हूँ मैं,
कि इसको कैसे निकाले जाए। इसको निकालने के लिए भाई अपने पास क्या, ये वाली लाइन है ना, कौन सी वाली, ये यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे टू है, 0.2 और 0.0, हाँ है ना, करेक्ट बेटे। और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। यस दिव्या, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, अगर कभी भी ऐसा बंदा हो देखे ना पहले बोला, तो आप एक काम करो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट मतलब ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, 2 है, इसका हाफ कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे, हाँ है ना। तो वन से मैंने यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये तो अपने को दिख रहा है ना कि 1 होगा, हाँ है ना। ये सुनो बेटे, ये डिस्टेंस 1 होगा, मतलब ये 1 होगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो निकालना है। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब भाई इस इक्वेशन में पुट कर दो, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ये तो वाई होगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन है ना एक्स इक्वल टू 2y - y², इसमें वाई की जगह 1 रख दो, क्योंकि ये अपने को पता है ना ये 1 है, ये वाला पॉइंट, हाँ है ना। यस सर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वन तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 रख दो वाई की जगह, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 1 - 1, हाँ तो ये 1.1 आ गया। तो इसका मतलब ये कि यस ये पॉइंट कितना है, 1.1, तो अगर ये पॉइंट 1.1 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, वन 1, तो ये डिस्टेंस 1 हो गया, ये वाला डिस्टेंस 1 हो गया, तो एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, 2/3 × 2 हाँ 2/3 × 2 × 1, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, 4/3, तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया अपना 4/3। अब समझ कैसे निकालना, यस सर, यस पक्का क्लियर हो गया बेटे, सर, यस चलो ठीक है। तो अब अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो मुझे बस इसका आंसर दो कि ये कैसे निकालेंगे। एक मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, क्वेश्चन इज फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल्स टू 2x - x² एंड y+3 = 0, ठीक है बेटे। यस सर, यस सर, कितना आ रहा है एट आंसर, कितना आया बेटे, एट 8 तो नहीं है बेटे, 8 कैसे होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है, ट्वेल्व नहीं रेक्टेंगल का एरिया 12 होना आएगा, रुको एक मिनट बना के देखता हूँ मैं। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं कि वाई पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, तो उसके लिए वाई जगह -3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -3 = 2x - x², ठीक है। फैक्टर आ रहे इसके x-3 और x+1। x-3 और x+1 तो नहीं आना चाहिए, देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, y = 2 ये हो जाएगा, तो y = 2x ये हो जाएगा, y की जगह 3 रखेंगे, ठीक है, तो y की जगह 3 रखते हैं तो ये पॉइंट आ जाना चाहिए, तो y = -3 रखेंगे तो ये पॉइंट आ जाना चाहिए, तो x = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - 2x - 3, तो x = -1/3। -103, हाँ ठीक है ये यार है -103, ओके। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इसका कैसा होना चाहिए, -103 ये तो इस पे कट करेगा, मतलब कुछ ऐसा यस बनेगा, सर,
ठीक है, और ये जो लाइन है ये वाली लाइन हो जाएगी कौन सी, सर ये कर्व ऊपर साइड नहीं होगा ऊपर साइड कहाँ पे बेटे? सर, वाई एक्सिस में ऊपर को, वाई एक्सिस से ऊपर को या एक्स एक्सिस से ऊपर को? एक्स एक्स वाई एक्सिस के ऊपर साइड को होगा ना, क्यों नहीं होगा? उसने कब बोल रखा है कि भाई वाई एक्सिस को टच कर रहा है? भाई हमने किसको सॉल्व किया, ये वाली लाइन कौन सी है, वाई बराबर थ्री, वाई इक्वल टू माइनस थ्री वाली लाइन है, तो वाई इक्वल यस टू सर, माइनस थ्री वाली लाइन है तो उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की अपने पास दो वैल्यू आ गई, तो ये कौन सी होगी, एक्स माइनस वन है तो वाई उसने दे रखा है माइनस थ्री, तो ये पॉइंट ये हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा कि भाई एक्स की वैल्यू एक बार थ्री आई और वाई की वैल्यू माइनस थ्री आई, तो ये दो पॉइंट्स आ गए अपने पास, यस सर, है ना, है ना। तो भाई अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूँ तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, एक मिनट, इसको मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ से ऐसे लाइन बना दी, एक मिनट, ये यहाँ रख दिया इसको, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मतलब ये यहाँ यस बन रहा है। सर, तो अब एक्चुअली अपने को वैसे तो एरिया कौन सा निकालना था, ये वाला निकालना था, एक मिनट, ये वाला एरिया चाहिए हमें, ठीक है, यस सर, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, है ना। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि भाई हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसका 2/3 कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस अपने को दिख रहा है ना कितना होगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, यस तो सर, बस अपने को केवल और केवल ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कौन सा वाला बेटे, ये वाला, टू आएगा, हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, टू 2 क्यों आएगा, 2 नहीं आएगा ना, वही गलती कर रहे हैं ना अपन, देखो आप वही गलती कर रहे हो बेटे। भाई ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो मुझे बताओ सर मैंने गलती को सॉरी कर दी, सब ये पॉइंट्स x सही आ रहे थे, पॉइंट्स सही आ रहे थे, और कर मेरा ऊपर साइड को वाई एक्सिस से बना रखा मैंने, अच्छा ऐसा थी, ऐसा किया था क्या, अच्छा ऊपर साइड को, ऊपर ऊपर साइड तो ना बनेगा, ये देखो ना माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो नीचे साइड बनेगा ना डाउनवर्ड, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगी, ये तो अपने यस को दिख रहा है ये 0 है, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, तो भाई ये उठाओ इसको 0 रख लो, तो 2x - x² = 0 करेंगे, तो x(2 - x) = 0, तो एक बार तो x = 0 आ गया और एक बार x = 2 आ गया, तो मतलब ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए, 2, 0, और ये कितना है, ओरिजिन 0, 0, ठीक है बेटे। तो मैंने यस सर, बताया था कि भाई अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बेसिकली 0 और 2, तो इसका मिड वाला डिस्टेंस मिड पॉइंट ये आ जाएगा 1, तो ये 1, 0 हो गया, तो 1, 0 से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो है ये वाला पॉइंट ये अपने को निकालना है, तो ये निकालने के लिए अपने को दिख रहा है ना कि एक्स तो जो है वो 1 होगा, वाई का वैल्यू और निकालना है, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए भाई ये जो ग्राफ है कौन सा है, ये वाला ग्राफ है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक्स के 1 रख दूंगा, एक्स के 1 रख दूंगा तो वाई आ जाएगा, है ना, यस सर, यस सर, करेक्ट, तो वाई इक्वल टू एक्स के 1 रखेंगे तो 2 - 1, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो मतलब ये डिस्टेंस हो गया 1, कौन सा वाला, ये वाला डिस्टेंस 1 हो गया, ठीक है बेटे, ये डिस्टेंस 1। अब मुझे तो ये पूरा डिस्टेंस निकालना है ना बेटे, कौन सा वाला, ये वाला, है ना, ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये वाला, ये यस पूरा। सर, अब ये पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये 1 है, वन ये 1 है, तो नीचे वाला डिस्टेंस कितना है, ये 0, 0 है और ये 0, -3 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हम डिस्टेंस की बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव रहेगा, है ना, यस सर, यस सर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आप ये 4 हो गया। फोर, यस सर, तो अब एरिया आपको दिख गया कि क्या आना चाहिए, 2/3 ऑफ रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट, 2/3 ऑफ 4 × 4, ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 32/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बेटे, तो ये हुआ आंसर, आई बात समझ, यस सर, यस, इसको इस तरीके से करना था, गॉट इट, यस सर, नोट कर लिया, कर रही हो, सकर कर लो कर
सर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो? ऑफलाइन तो सेंटर पे पढ़ाते हैं ना बेटे, सर कहाँ? साउथ एक्स में, दिल्ली में। सब पढ़ाते हो ऑफलाइन? हाँ दिल्ली में तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना बेटे। जो दिल्ली वाला सेंटर है ना अपना साउथ एक्स में, उस पे ऑफलाइन पढ़ाते हैं। सर हाँ कौन से एरिया में? साउथ एक्स में है बेटा। कभी कभी दिल्ली आए हो? आई तो नहीं, आने वाली। अच्छा आने वाले तो बेटा, बेटा आ जाना फिर तो साउथ एक्स सेंटर में देख लेना। अगर जहाँ आ रही हो दिल्ली में वहां पे साउथ एक्स सेंटर पास पड़े तो वहां पे आ जाना, सर है ना? यस सर ठीक है चलो, ये नोट कर लिया यस बेटे। सर यस सर ओके चलो ठीक है। अब इसमें एक आध कंसेप्ट और बता देता हूँ, वैसे तो इसमें ऑलमोस्ट इतना ही पूछा जाता है। एक और कंसेप्ट समझ लो कि भाई अगर हमसे ये पूछा जाता है कि एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है, इज इक्वल यस टू, मतलब कभी भी हमसे एरिया ऑफ इलिप्स पूछा जाए, इलिप्स मतलब कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक। ये लिप्स तो नहीं लग रहा, बहुत गंदा बना है। रुको है, तो इलिप्स है। अब मुझे क्या करना है बेटा कि कौन सा ये एरिया निकालना है अपने को, कौन सा ये वाला, दिस एरिया, वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। तो कभी भी अपने से अगर इलिप्स का एरिया पूछा जाए तो इलिप्स का एरिया निकालने के लिए बस इतना सा दिमाग में रखो कि एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है पाई ए बी, ठीक है। क्या होता है बेटे, पाई बाय एबी ए बी, यहाँ पे ए जो है वो ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए, दिस डिस्टेंस ऑफ बी, आया ना समझ? यस सर ठीक है। अब जैसे ये आप इसको एक्चुअली इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे एरिया ऑफ सर्कल होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या यस होता है सर बेटा, पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू आर इंटू आर, यस सर है ना। अब इसमें आर इंटू आर जो है भाई देख, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है यस सर ना। तो इसमें मैं अगर मान लो दोनों तरफ एक्स आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये तो ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना। यस सर तो अगर अपन इसको और इसको कंपेयर करें, इसे और इसे दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो अपने को दिख रहा है ना कि ए का भी वैल्यू आर है और बी का भी वैल्यू आर है, हाँ ना, यस सर यस सर ठीक है। तो बस आर की जगह एक बार ए रख दो, यहाँ आर की जगह एक बार बी रख दो, ठीक है। तो ये बन गया एरिया ऑफ इलिप्स, आई वाज समझ, यस सर ठीक है। तो इस तरीके से अपन एरिया ऑफ इलिप्स निकाल देंगे, ठीक है। अब कभी भी यस पूछा सर जाए एरिया ऑफ इलिप्स, बस ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक। ओके यस सर चलो इसको नोट करो। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया दिव्या, ठीक यस सर है। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है, जैसे ये है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ट्वेल्व पाई, ठीक है, बहुत आसान है, दिख रहा है कि भाई एरिया अपने को पता है पाई ए बी, और ये जो होता है ये ए स्क्वायर होता है, तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है, तो बस इसमें रख दो पाई, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, तो कितना हो गया बेटा 12 पाई, ये याद आना चाहिए, यस सर, ठीक है, तो बस दिस इज द आंसर, ठीक है, यस सर, आई वाज समझ। तो ये ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया एरिया अंडर द कर्व। इसके बाद तो फिर बस वही है, क्वेश्चंस वगैरह है, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा बेटे।